केंद्र की तरफ से अनलॉक 5 की गाइडलाइन आ गई है, जिसमें सिनेमा घरों को भी सशर्त तरीके से, सुरक्षित तरीके से खोलने की इजाज़त दी गई है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ केवल जयपुर ही नहीं बल्कि दक्षिण एशिया के कभी सबसे खूबसूरत माने जाने वाले राजमंदिर सिनेमाघर में। लॉकडाउन के बाद से ये सिनेमा हॉल बंद था और अपनी खूबसूरती के कारण यह सिनेमाघर जाना जाता है, लेकिन जिस तरह से लॉकडाउन में यह पूरा बंद था, अब फिर से इसे भी खोलने की तैयारी शुरू हो गई है। मैं आपको दिखाता हूँ कि यहाँ पर अब काम भी शुरू हो गया है। हालांकि इस बार ये किया गया है, यदि आपको ये सीट अलॉट किया जाएगा तो पास वाली खाली रखी जाएगी, उसके अगली सीट पर दूसरा शख्स यहाँ पर अपनी मनपसंद की फिल्म देखने बैठ सकता है। कर्मचारियों की जहाँ तक बात है, यहाँ पर 55 कर्मचारी मार्च से पहले तक काम करते थे जब ये सिनेमाघर चालू था। लॉकडाउन में कई लोग घर चले गए, कुछ कहीं और अपनी उन्होंने कामकाज खोज लिया, तो अब करीब मुश्किल से 15-20 लोग यहाँ पर काम करते हैं। लेकिन एक बार फिर से अब सिनेमाघर खुलने की खबर के बाद यहाँ पर ये देखिए साफ़ सफाई का काम भी यहाँ पर पूरी तरह शुरू हो गया है। कारपेट साफ़ किए जा रहे हैं, यहाँ पर जो सीट है उन्हें साफ़ किया जा रहा है। सैनिटाइज करने के बाद ही प्रवेश दिया जाएगा, पूरे को सैनिटाइज होना जहाँ पर ज़रूरी है। अब तक देखा गया कि लॉकडाउन के पीरियड में मोबाइल पर, OTT प्लेटफॉर्म पर लोग अपनी मनपसंद फिल्में जो रिलीज़ होती थी वे देखते थे, धारावाहिक, सीरियल, जो भी उन्हें देखना था। लेकिन एक बार फिर से सिनेमाघर शुरू हो रहे हैं। इतना ज़रूर होगा कि इनके लिए काफ़ी कड़े अब नियम बनाए गए हैं, क्योंकि यहाँ पर भीड़ भी आएगी, दर्शक एक बार फिर से आप बड़े पर्दे पर, जैसे राजमंदिर का सिनेमा पर्दे का मैं बात बता रहा हूँ, ये पर्दा काफ़ी बड़ा, शायद इतना बड़ा पर्दा जयपुर में और कहीं आपको नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर आने वाले लोगों को फिल्म देखने का एक अनोखा और अच्छा अनुभव मिलता है, और इस अनुभव को फिर से लेने में अब सब लोग ज़रूर यहाँ पर आएंगे, और एक फिर से शायद लॉकडाउन से पहले के जो फिल्म देखने का, मूवी देखने का मज़ा था, शायद उस लुफ्त को उठा पाएंगे। इसी तरह से यहाँ आप पूरा देख सकते हैं कि इस सिनेमाघर में हर तरह की वो तमाम कोशिशें की जा रही है जिसमें कि जो दर्शक हैं वे यहाँ पर सुरक्षित रह सके। कंपलसरी मास्क लगाना होगा, नो मास्क नो एंट्री यहाँ पर। मेरे पास भी मास्क है लेकिन इस वक्त यहाँ कोई और नहीं है, आप तक मैं मेरी बात को थोड़ा साफ तौर पे पहुँचा पाऊँगा, इसलिए मैं मास्क अभी निकाला है। लेकिन मास्क लगाना ज़रूरी होगा, सबसे सुरक्षित यही एक उपाय है। और अब देखिए पूरे अगर सिनेमाघर के, मैं आपको बाहर की तरफ भी थोड़ा ले जाके बताता हूँ, अब ये अपने खूबसूरत सिनेमाघर में माना जाता है राजमंदिर। इसकी कलाकृति को देखने, इसके आर्किटेक्ट को देखने लोग, जितने लोग फिल्म देखने आते हैं उससे ज़्यादा इसकी सुंदरता को देखने आते हैं। अब दर्शकों को फिर से इसकी खूबसूरती को निहारने, यहाँ बैठकर फिल्म देखने का मौका मिलेगा। ये जो काउंटर हैं, हालांकि ये अभी शुरू होंगे या नहीं सिनेमाघर के साथ ही, ये देखिए जब लाइट लगती है तो इसी तरह का ये खूबसूरत होता है। इसी खूबसूरती के कारण ऐसा कहा जाता है कि दक्षिण एशिया का ये सबसे खूबसूरत सिनेमाघर था। भले ही मल्टीप्लेक्स आगे, लेकिन राजमंदिर में फिल्म देखने का एक जो अनुभव है, शायद वो अनुभव को राजस्थान में तो कम से कम कोई नहीं चूकना चाहता, और जो भी जयपुर आता है कम से कम इस सिनेमाघर में आके एक बार जरूर इस खूबसूरत सिनेमाघर में आके फिल्म देखता है। मैं सर से बात करता हूँ, सर आप कितने खुश हैं एक बार फिर से सिनेमाघर वगैरह सब खुल रहे हैं, तो आप भी खुश हैं? बिल्कुल सर, खुश हैं बहुत। हमारे को भी 7 महीने से हम भी इसी तरह से परेशान हैं, तो सिनेमा चालू होगा तो हमारा भी रोजगार वापस चालू होगा, और ऐसे भी कोई इससे सुविधा होगी जो भी सिनेमा कर्मचारी से जुड़े हुए हैं इस सब। लेकिन आपको कहीं डर भी रहेगा कि कोरोना जिस तरह से बढ़ रहा है, भीड़ भी आएगी? लेकिन फिर भी जो भी है सावधानी जो सरकार के द्वारा बताई जाएगी उसको नजरअंदाज नहीं कर सकते, उसके अंतर्गत ही करना पड़ेगा जो कुछ भी करेंगे। बिना मास्क शायद अनुमति किसी को के अंदर अंदर अलाउ नहीं करेंगे, सैनिटाइज करेंगे, और जो भी है हर शो के बाद पूरे हाउस को, लॉबी को, सबको सैनिटाइज किया जाएगा जो भी सुविधा। मैं आपसे एक सवाल और पूछूंगा भाई साहब, अब आप ही बताइए मुझे, ये 7 मार्च महीने से बंद था, परेशान तो हो ही रहे होंगे कि कहाँ जो रौनक वाली, सबसे ज़्यादा रौनक वाली जगह थी ये? हाँ, अब तो साहब बिल्कुल सुनसान सा, ऐसे मन ही नहीं करता ऐसे आने का यहाँ तो, नहीं तो इतनी चहल पहल रहती थी, हमारा गेट पे घुसते ही दिल खुश हो जाता था साहब। यहाँ इतनी पब्लिक, इतने लोग अच्छे बाहर के सब आते थे, हम बहुत खुश होते थे। और अब फिर से वो यादें आएगी, वो दिन लौटेंगे, वो चलते साहब हमारे रौनक आ जाएगी सबके, हमारे सर
पुराने दिन वापस लौटेंगे, देखिए वापस लौटेंगे सर, अब हमें उम्मीद है एक बार फिर जनता से वापस जुड़ेंगे, ऐसी कोई बात नहीं, एक बार फिर जनता से जुड़ेंगे। देखो बहुत बड़ी इन्होंने बात कही है और शायद ये खूबसूरत सिनेमाघर में एक बार फिर से रौनक आएगी। कैमरामैन दिनेश कुमावत के साथ श्री वत्सन, जयपुर न्यूज़ 24।